मुकाबला शुरू होता हुआ पहली बॉल करेंगे मनीष राठी और बल्लेबाज के लिए तैयार है राहुल सोलंकी और लोकेश मीना और काना जाट और दूसरी तरफ है मनीष राठी लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। 1,25,000 रुपए का हार जीत। पहली बॉल काफी बेहतरीन शॉट मारा है राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा ने। पहली बॉल पहला छक्का और दूसरी बॉल करेंगे मनीष राठी राउंड द विकेट और एक और छक्का। बॉल जा रही है काफी दूर बैक टू बैक दो बॉलों पर दो छक्के राहुल सोलंकी द्वारा। तीसरी बॉल करेंगे मनीष राठी और एक और छक्का। बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर बैक टू बैक तीन बॉलों पर तीन छक्के चीता ही कह देते हैं राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा को। और चौथी बॉल तीन बॉलों पर तीन लगातार छक्के के बाद और काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल। और पांचवी बॉल वाइड बॉल और पांचवी बॉल काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल और डॉट बॉल। एक ओवर में तीन छक्के मार पाए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा छह बॉलों पर तीन छक्के। और पहली बॉल दूसरे ओवर की और नो बॉल। अब लोकेश चाइना बॉल करते हुए और वाइड और नो बॉल हो चुकी है छह बॉलों पर तीन छक्के लग चुके हैं। बॉलिंग करते हुए लोकेश चाइना ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड राजनगर एक्सटेंशन। और पहली बॉल वाइड के बाद फुल टॉस बॉल और काफी लंबा छक्का सात बॉलों पर चार छक्के लग चुके हैं अब तक राहुल सोलंकी द्वारा। और दूसरी बॉल और एक और वाइड और अब राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे सात बॉलों पर चार छक्के लग चुके हैं। दूसरी बॉल काफी अच्छी बॉल वाइड की पट्टी पर जाकर गिरी बॉल डॉट बॉल और वाइड बॉल एक और लगातार और एक और तकड़ा छक्का राहुल सोलंकी द्वारा आठ बॉलों पर पांच छक्के लग चुके हैं और काफी लंबा छक्का। और तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना काफी अच्छी बॉल और बैक करते हुए और डॉट बॉल लेकिन राहुल सोलंकी द्वारा काफी तगड़े छक्के मारते हुए। और चौथी बॉल एक और लॉफुल टॉस और वाइड बॉल थी इसको भी राइट कर दिया दस बॉलों पर पांच छक्के लग चुके हैं अब तक। और अपने भाई नदीम फ्रॉम चिप्याना बुजुर्ग को चीता ही कह देते हैं। और एक और छक्का बॉल जा रही है काफी दूर बाउंड्री के बाहर छह रन ग्यारह बॉलों पर छह छक्के लग चुके हैं काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। और बारहवीं बॉल पहले मैच की एक और फुल टॉस बॉल थी लेकिन बॉल बबलू खैरपुर पकड़ेंगे और इसी के साथ मुकाबले में छह छक्के मार दिए हैं राहुल सोलंकी ने काफी तगड़ी बैटिंग करते हुए। और अब लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर बल्लेबाजी करेंगे सात छक्के चाहिए पहले मैच में मैच को जीतने के लिए। 20,000 रुपये का सेट और 1,25,000 रुपये की हार जीत। ग्रीन पार्क राजनगर एक्सटेंशन क्रिकेट ग्राउंड। किसी भाई को भी शक होता है तो एक बार आके जरूर देखें कि मैच इतने ही महंगे होते हैं या नहीं होते हैं। और अब बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना और बॉलिंग करेंगे काना जाट फ्रॉम हाथरस 12 बॉलों पर सात छक्के। पहली बॉल हवा में है फील्डर उसके नीचे मौजूद है राहुल सोलंकी और कैच आउट पहली बॉल पर ही लोकेश चाइना। और अब बल्लेबाजी करेंगे बबलू खैरपुर पहली बॉल और डॉट बॉल और काना जाट बॉलिंग करते हुए काफी अच्छी बैटिंग करी है राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा ने। पहले ही मैच में छह छक्के मार दिए दो ओवरों में और अब सात छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए काना जाट बॉलिंग करते हुए। तीसरी बॉल करेंगे काना जाट काफी तगड़ा छक्का बबलू खैरपुर द्वारा और बॉल गई बाउंड्री के बाहर छह रन तीन बॉल एक छक्का। और चौथी बॉल करेंगे काना जाट और बॉल जा रही है वन बाउंस टू बाउंस फोर बाउंस चार रन चार बॉलों पर एक छक्का। और पांचवी बॉल करेंगे काना जाट और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर एक और छक्का बबलू खैरपुर द्वारा पांच बॉलों पर दो छक्के लग चुके हैं अब तक पांच बॉलों पर दो छक्के और सात बॉलों पर पांच छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। पहला ही मुकाबला काफी तगड़ा रोमांच आता हुआ
और छठी बॉल करेंगे काना जाट। काफी अच्छी बॉल काना जाट द्वारा, डॉट बॉल। एक ओवर में 2 छक्के और 5 छक्के चाहिए एक ही ओवर में। बॉलिंग करेंगे लगता है लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान। और अब बॉलिंग करेंगे लोकेश मीना, पहली बॉल और बॉल उछल गया, कीपर उसके पीछे नहीं है और डॉट बॉल। पहली बॉल डॉट और 5 बॉलों पर 5 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। और दूसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना, मेरी जान बॉल है, काफी अच्छी बॉल और स्लो बॉल और कटर बॉल और डॉट बॉल। और तीसरी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 6 रन और 3 बॉलों पर 3 छक्के चाहिए मैच को टाई करने के लिए। चौथी बॉल करेंगे लोकेश मीना, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और डॉट बॉल। इसी के साथ पहले मुकाबले को जीत चुके हैं राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। काफ़ी तगड़ी बॉलिंग करी है लोकेश मीना और राहुल सोलंकी ने, काफ़ी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है। एक मुकाबला प्लस है और अपने भाई बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर को चीता ही कह देते हैं। टोनू भाई फ्रॉम खुर्जा, चिट्टा मिला दिया, हाँ मिल गई। और पप्पी फ्रॉम गाजियाबाद भी आते हुए मैच को देखने के लिए। पहला मुकाबला समाप्त। भोला फिर हम चिप्याना बुजुर्ग के काफ़ी तगड़े लेदर बॉल टेनिस बॉल के खिलाड़ी। और दूसरा मुकाबला, पहली बॉल करेंगे मनीष राठी, काफ़ी तगड़ी बॉल, उसके नीचे फील्डर हैं भोला फिर हम चिप्याना और पहली बॉल पर ही आउट राहुल सोलंकी। और दूसरे मुकाबले में पहली बॉल पर ही आउट हो चुके हैं राहुल सोलंकी और बल्लेबाजी करेंगे लोकेश मीना फिर हम राजस्थान। बॉलिंग करते हुए मनीष राठी फिर हम दिल्ली। दूसरी बॉल और वाइड बॉल, दूसरी बॉल काफ़ी अच्छी बॉल थी, गति के साथ बॉल आई और डॉट बॉल। तीसरी बॉल करेंगे मनीष राठी, काफ़ी तगड़ा छक्का राहुल लोकेश मीना द्वारा और बॉल जा रही है काफ़ी लंबी काफ़ी दूर और 6 रन, 3 बॉल 1 छक्का। और चौथी बॉल काफ़ी अच्छी बॉल मनीष राठी द्वारा, डॉट बॉल, 4 बॉल 1 छक्का 1 विकेट। पांचवी बॉल उठा दिया है बबलू खैरपुर, क्या पर कर पाएंगे देखेंगे। और ये कैच छूट चुकी है बबलू खैरपुर द्वारा। 5 बॉल 1 छक्का काफ़ी प्रयास किया लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। 5 बॉल 1 छक्का और अब फील्डिंग करेंगे लोकेश चाइना, 6ठी बॉल मैच की और वाइड बॉल मनीष राठी द्वारा। काफ़ी तगड़े गेंदबाज मनीष राठी टेनिस बॉल के। और दूसरे मैच की 6ठी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। 6 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके हैं, काफ़ी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए लोकेश मीना फिर हम राजस्थान और बबलू खैरपुर करते हुए बॉलिंग। पहली बॉल पर छक्का लग चुका है और दूसरी बॉल एक और छक्का, काफ़ी तगड़ा छक्का और तकड़ा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 2 बॉलों पर 2 लगातार छक्के लगा चुके हैं लोकेश मीना फिर हम राजस्थान। तीसरी बॉल करेंगे बबलू राउंड द विकेट और एक और छक्का, पिक करके मारा हुआ बॉल और बॉल काफी दूर काफी लंबा छक्का। 3 बॉलों पर 3 लगातार छक्के लोकेश मीना फिर हम राजस्थान द्वारा, लगातार 3 बॉलों पर 3 छक्के, 5 छक्के हो चुके हैं 8-9 बॉलों पर। और काफ़ी अच्छी बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल। पांचवी बॉल करेंगे बबलू, 5 छक्के लग चुके हैं 10 बॉलों पर और बैक टू बैक डॉट बॉल, काफ़ी अच्छी बॉल थी लेकिन नहीं मार पाए लोकेश मीना फिर हम राजस्थान। 11 बॉलों पर 5 छक्के लग चुके हैं, दूसरा मुकाबला चलता हुआ। दूसरे मैच की 12वीं बॉल काफ़ी अच्छी बॉल और डॉट बॉल और 5 छक्के लग चुके हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है लोकेश मीना फिर हम राजस्थान ने मुकाबले को जीतने के लिए बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना को। 12 बॉलों पर 6 छक्कों की ज़रूरत है और अपने भाई गगन फिर हम मथुरा चीता ही कह देते हैं भाई को, कुलदीप फिर हम मकोड़ा और कुलदीप मकोड़ा। मुकाबला चलता हुआ, बॉलों की कमी नहीं है, 12 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत।
पहली बॉल पर विकेट होने के बाद भी 5 छक्के काफी तगड़े मारे। और अब बॉलिंग करेंगे काना जाट, बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना, 12/6 पहली बॉल। और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस 4 रन पहली बॉल, डॉट बॉल। दूसरी बॉल 11/6 और अच्छी बॉल, काना जाट द्वारा लगातार 2 बॉल डॉट। तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल, लगातार 3 बॉल डॉट। 9 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत। और ये चौथी बॉल, बॉल जा रही है बहुत ही दूर और काफी लंबा छक्का, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन 4 बॉल 1 छक्का। पांचवी बॉल काफी अच्छी बॉल और वाइड बॉल, पांचवी बॉल वाइड के बाद काफी तकड़ी बॉल और डॉट बॉल। 7 बॉलों पर 5 छक्कों की जरूरत। काफी तकड़ी बॉलिंग करते हुए काना जाट, त्रम हाथरस, 6ठी बॉल और वाइड बॉल, 6ठी बॉल काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल लगा। 5-6 बॉलों पर 1 ही छक्का लगाया, काफी तकड़ी बॉलिंग करी है काना जाट फ्रॉम हाथरस ने। और बल्लेबाजी करेंगे लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान, 5 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, 6 बॉलों पर देखते हैं क्या होता है। पहली बॉल करेंगे लोकेश मीना, 6/5 और डॉट बॉल। दूसरी बॉल और एक और डॉट बॉल, 2 बॉल लगातार डॉट। तीसरी बॉल, 4 बॉल पर 4 छक्के मैच को टाई करने के लिए और डॉट बॉल और मुकाबला समाप्त। इस मुकाबले को भी जीत चुके हैं काफी तकड़ी बॉलिंग करते हुए लोकेश बिना और काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है आपकी और काफी बेहतरीन बॉलिंग करी है काना जाट फिर हाथरस ने। 2 मैच लगातार जीत चुके हैं, काफी तगड़े मुकाबले होते हुए एक ही तरफा हो चुके हैं दोनों मुकाबले अभी तक। दोनों ही मुकाबले राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और काना जाट जीत चुके हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन तीनों ही खिलाड़ियों का। तीसरा मुकाबला चलता हुआ, बॉलिंग करेंगे लोकेश चाइना और बल्लेबाजी करेंगे राहुल सोलंकी। 2 मैच अभी प्लस है, पहली बॉल काफी अच्छी बॉल, 2 मैच प्लस हो चुके हैं राहुल सोलंकी और लोकेश मीना और काना जाट, पहली बॉल डॉट। दूसरी बॉल और एक और काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा, 2 बॉल लगातार डॉट। तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल, एक और लोकेश चाइना द्वारा डॉट बॉल लगातार, 3 बॉल डॉट। चौथी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, काफी अच्छी बॉल, एक और लगातार 4 बॉल डॉट, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए तीसरे मैच में लोकेश चाइना। पांचवी बॉल तीसरे मैच की, फुल टॉस बॉल, उसके नीचे फील्डर मौजूद है मनीष राठी और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन 5वीं बॉल पर पहला छक्का और काफी अच्छी बॉल थी लेकिन उससे भी बेहतरीन शॉट मारा राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। 6ठी बॉल और काफी तगड़ा छक्का और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन 6 बॉलों पर 2 छक्के। तीसरा मुकाबला चलता हुआ और अब बॉलिंग करेंगे मनीष राठी, पहली बॉल और उससे भी तगड़ा छक्का, बॉल काफी दूर गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन जितनी तकड़ी बॉल उससे भी तगड़ा छक्का। दूसरी बॉल करेंगे मनीष राठी, काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल, 8 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं अब तक, काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। तीसरी बॉल तीसरे मैच की और काफी अच्छी बॉल मनीष राठी द्वारा डॉट बॉल। चौथी बॉल करेंगे लोग मनीष राठी, काफी अच्छी बॉल और वाइड बॉल, हाँ, और चौथी बॉल करेंगे मनीष राठी, काफी तकड़ी बॉल और वाइड बॉल। चौथी बॉल 3 छक्के लग चुके हैं अब तक 9 बॉलों पर और एक और वाइड मनीष राठी द्वारा और अब 3 वाइड हो चुकी हैं और वाइड आएगी तो बॉल और काफी अच्छी बॉल मनीष राठी द्वारा डॉट बॉल। तीसरे मैच की 5वीं बॉल और बेहतरीन शॉट राहुल सोलंकी द्वारा, काफी तगड़ा छक्का, 11 बॉलों पर 4 छक्के हो चुके हैं अब तक,
तीसरा मुकाबला चलता हुआ, दो मैच प्लस है अभी, राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और काना जाट। और छठी बॉल और ये डॉट बॉल, काफी अच्छी बॉल थी मनीष राठी द्वारा, चार छक्के लगे 12 बॉलों पर। और अब लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर बल्लेबाजी करेंगे, 12 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत है, दो मैच हार चुके हैं और तीसरा मुकाबला चलता हुआ, 12 बॉलों पर 5 छक्के, क्या मार पाएंगे लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। पहली बॉल और डॉट बॉल, पहली बॉल डॉट बॉल, 11 बॉलों पर अब 5 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना, बॉलिंग करते हुए काना जाट, तीसरा मुकाबला चलता हुआ, दूसरी बॉल और 9 बॉल, फील्डर है भूरा भाई, पकड़ पाएंगे क्या रामू भाई, और कैच आउट और 9 बॉल, कैच आउट और 9 बॉल, 9 बॉल हो चुकी है, दूसरी बॉल 9 बॉल के बाद, और डॉट बॉल तो लगातार बॉल डॉट। और अब बल्लेबाजी करेंगे पब्लू खैरपुर, 10 बॉलों पर 5 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, 10 बॉलों पर 5, तीसरा मुकाबला चलता हुआ और डॉट बॉल, पहली बॉल डॉट बॉल, चौथी बॉल करेंगे काना जाट, 3 बॉल लगातार डॉट, काफी अच्छी बॉल, एक और काना जाट द्वारा डॉट बॉल। और अब राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे और बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना, 8 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत, काफी अच्छी बॉल और एक और बॉल डॉट, काफी तकड़ी बॉलिंग करते हुए काना जाट, काफी तकड़ी गेंदबाजी करते हुए अब तक तीनों मुकाबलों में। छठी बॉल और डॉट बॉल, 6 बॉल लगातार डॉट और मैडन ओवर डाल दिया काना जाट फ्रॉम हाथरस ने, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए, 6 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत है और एक बॉल, 6 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत है, बॉलिंग करते हुए लोकेश मीना और बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना, और पहली बॉल डॉट हो चुकी है और दूसरी बॉल करेंगे राहुल लोकेश मीना और वाइड बॉल, और तीसरी बॉल और बेहतरीन शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, 4 बॉलों पर 4 छक्के की जरूरत मैच को जीतने के लिए, तीसरी बॉल, एक और वाइड बॉल, तीसरी बॉल, काफी लंबा छक्का लोकेश चाइना द्वारा और बॉल काफी दूर गई, काफी लंबा छक्का, 3 बॉलों पर 2 छक्के मार चुके और 3 बॉलों पर 3 ही छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना, चौथी बॉल करेंगे और एक और छक्का, काफी तगड़ा छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के भी बाहर और 6 रन, 4 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं अब तक और 2 बॉलों पर 2 ही छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, 2 बॉलों पर 2 छक्के, और 5वीं बॉल करेंगे लोकेश मीना और बॉल जा रही है बाउंड्री के और 4 रन, 1 बाउंस, 4 रन और 1 बॉल पर 1 ही छक्का चाहिए मैच को टाई करने के लिए, 1 बॉल पर 1 ही छक्का, बाउंड्री से थोड़ी ही रह गई बॉल, 1 बॉल पर 1 छक्का और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर और काफी तकड़ी बल्लेबाजी करी है अब के लोकेश चाइना और काफी बेकार बॉलिंग करते हुए लोकेश मीना, 1 ओवर में 4 ही छक्के खा गए और मुकाबले को टाई में बदल दिया लोकेश चाइना ने, एक तरफा मुकाबले को टाई में बदल दिया, काफी तकड़ी बल्लेबाजी करी और अभी 2 मैच प्लस हैं, अभी लोकेश मीना, काना जाट और राहुल सोलंकी, 3 मैचों में 2 मैच प्लस हैं, अभी काफी तकड़ी बल्लेबाजी कर मैच को टाई कर दिया, चौथा मुकाबला चलेगा और पहली बॉल करेंगे मनीष राठी, पहली बॉल काफी अच्छी बॉल, 2 लगातार मुकाबले हार चुके हैं लोकेश चाइना, बबलू खैरपुर और मनीष राठी, और तीसरा मैच टाई, 2 मैच और चौथा मुकाबला चलता हुआ, 5, पहली बॉल हो चुकी है डॉट, दूसरी बॉल करेंगे मनीष राठी, काफी अच्छी गति के साथ बॉल आई थी और ये डॉट बॉल, तीसरी बॉल करेंगे मनीष राठी, चौथे मैच की, काफी तगड़ा छक्का और बॉल तगड़ा शॉट और दीवार में जाके लगी बॉल, 6 रन, तीसरी बॉल करेंगे मनीष राठी,
काफी अच्छी बॉल, एक और बेहतरीन बॉल करते हुए मनीष राठी लगातार चार बॉलों पर एक छक्का लग चुका है। काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। पांचवी बॉल करेंगे मनीष, उठा दिया है काफी तगड़ा छक्का और बॉल जा रही है बहुत ही दूर। माली भी बॉल को नहीं पकड़ पाएंगे और नहीं ला पाएंगे। और छह रन, पांच बॉलों पर दो छक्के मार दिए राहुल सोलंकी। और चीता ही कह देते हैं राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा को, काफी तकड़ी बैटिंग करते हुए काफी नाम कमाते हुए धीरे धीरे। छठी बॉल चौथे मैच की और बेहतरीन शॉट और सबसे अच्छा शॉट आज का, और बॉल गई बाउंड्री के बाहर। छह रन, एक ओवर में तीन छक्के मार दिए लोकेश राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। और अब बॉलिंग करेंगे बबलू खैरपुर। ट्रिपल विकेट मुकाबला, वाइड बॉल, पहली बॉल वाइड बॉल, और ये दो पहली बॉल थी और वाइड को भी राइट करते हुए राहुल सोलंकी। सात बॉल तीन छक्के, चौथा मुकाबला चलता हुआ। दोनों मुकाबले एक तरफा हो चुके थे पहले वाले। और बेहतरीन बॉल करते हुए और लेकिन उसको भी घसीट दिया, बॉल वन बाउंस डॉट बॉल, एक और लगातार दो बॉल डॉट। और नेगी भी काफी तगड़े ऑलराउंडर और चिंटू काफी तगड़े बल्लेबाज लेदर बॉल के, और काफी तगड़ा छक्का और बॉल जा रही है बाउंड्री से भी बाहर काफी दूर। छह रन, नौ बॉलों पर चार छक्के मार चुके राहुल सोलंकी। हमारे माइकल भाई भी। और ये चौथी बॉल करेंगे बबलू, एक और छक्का और काफी दूर बॉल जाती हुई लगातार, एक और छक्का। पांच छक्के लग चुके हैं अब तक दस बॉलों पर। चौथा मुकाबला चलता हुआ, काफी तकड़ी, काफी से भी काफी तकड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। और ये ग्यारहवीं बॉल और बेहतरीन शॉट, अब तक का सबसे बेहतरीन शॉट, और कवर्स पे छक्का, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। ग्यारह बॉलों पर छह छक्के लग चुके हैं अब तक। और छठी बॉल और एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर। छह रन, इस ओवर में चार छक्के लगे और उससे पहले लगे तीन छक्के, और अब आठ छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। चौथा मुकाबला चलता हुआ, देखते हैं क्या होगा, क्या मार पाएंगे लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। बारह बॉलों पर सात छक्कों की जरूरत, बारह बॉलों पर आठ छक्कों की जरूरत, और बॉलिंग करेंगे काना जाट। चौथा मुकाबला चलता हुआ, दो मैच अभी प्लस है, काना जाट राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। बारह बॉल आठ छक्के, पहली बॉल और बॉल जा रही है उसके पीछे है रामू भाई, क्या कर पाएंगे रामू भाई। और आसानी से कैच को टपका दिया रामू भाई ने और कैच छूट चुकी है। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल बॉल जा रही है, एक और बॉल डॉट, दो बॉल लगातार डॉट। दस बॉलों पर आठ छक्कों की जरूरत, तीसरी बॉल करेंगे कहना जाट। और काफी लंबा छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर। छह रन, चौथी बॉल करेंगे कहना जाट, एक छक्का लग चुका है अब तक। और काफी अच्छी बॉल काना जाट द्वारा, डॉट बॉल। और पांचवी बॉल और ये डॉट, काना जाट क्या पकड़ पाएंगे जाते हुए, लेकिन ये डॉट बॉल। और पांच बॉलों पर एक छक्का और अंतिम बॉल पहले ओवर की, उसको भी घसीट दिया है वाइड को भी। बॉल जा रही है वन बाउंस टू बाउंस, चार रन। और मुकाबले में अब सात छक्के चाहिए एक ओवर में, और औपचारिकता ही बाकी है। तीसरा मुकाबला, चौथा मुकाबला चलता हुआ, सात छक्के चाहिए एक ओवर में मैच को जीतने के लिए। और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, डॉट बॉल, बॉलिंग करते हुए राहुल सोलंकी। और इस मुकाबले को भी जीत चुके हैं राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और काना जाट। अब तीन मैच प्लस हो चुके हैं चार मैचों में, एक मैच टाई हो चुका है और तीन मैच प्लस हो चुके हैं। चीता ही कह देते भाई को भी, और टोनू भाई फ्रॉम खुर्जा को चीता कह देते हैं, गगन फ्रॉम मथुरा को भी चीता ही कह देते हैं, रामू भाई को भी चीता कह देते हैं, बेशक से कैच छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीन मुकाबले प्लस
हो चुके हैं अब तक 3 मुकाबले प्लस हो चुके हैं 4 मैचों में 3 मैच प्लस। नदीम भाई फिरम चिप्याना बुजुर्ग और 6ठा मुकाबला चलता हुआ 4 मैच अभी प्लस राहुल सोलंकी और लोकेश मीना और काना जाट 4 मैच प्लस। लगता है अंतिम मुकाबला होगा क्या। बॉलिंग करेंगे मनीष राठी राउंड द विकेट से 4 मैच अभी प्लस हैं राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। पहली बॉल करेंगे मनीष राठी काफी डैश्ड के बाद और वाइड बॉल और पहली वाइड होने के बाद दूसरी बॉल करेंगे मनीष राठी पहली बॉल काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल दूसरी बॉल 6ठे मैच की उठा दिया है बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर काफी लंबा छक्का दूसरी बॉल पर पहला छक्का तीसरी बॉल करेंगे 6ठे मैच की मनीष राठी और शॉट ऑफ द डे बॉल काफी दूर काफी लंबा छक्का और बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रन तो बॉल लगातार छक्के तीसरी बॉल चौथी बॉल और डॉट बॉल चौथी बॉल डॉट नहीं रोक पाएंगे लोकेश चाइना 1 बाउंड 4 रन 4 बॉल 2 छक्के और 5वीं बॉल बॉल काफी अच्छी बॉल थी और डॉट बॉल 6ठी बॉल 6ठे मैच की काफी अच्छी बॉल मनीष राठी दोबारा डॉट बॉल 6 बॉल 2 छक्के काफी अच्छी वापसी करते हुए मनीष राठी। बॉलिंग करते हुए लोकेश चाइना 4 बॉल और 1 छक्का लग चुका है मतलब 10 बॉलों पर 3 छक्के और ये 9 बॉल और काफी लंबा छक्का बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन 4 छक्के हो चुके हैं अब तक 10 बॉलों पर 4 छक्के हो चुके हैं 6ठा मुकाबला चलता हुआ 5वीं बॉल करेंगे 6ठे मैच की लोकेश चाइना काफी अच्छी बॉल 5वीं बॉल 6ठे मैच की काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल और एक बॉल बॉल बाकी है 4 छक्के लग चुके हैं अब तक और 12वीं बॉल करेंगे 6ठे मैच की और एक कोर वाइड और 6ठे मैच की 12वीं बॉल 4 छक्के लग चुके हैं अब तक और काफी अच्छी बॉल और ये बॉल डॉट और इस मुकाबले को जीतने के लिए 12 बॉलों पर 5 छक्के की जो 6ठा मुकाबला चलता हुआ 4 मैच हार चुके हैं लोकेश चाइना बबलू खैरपुर और मनीष राठी अब तक 4 मैच लॉस हैं 6 मैचों में 1 मुकाबला टाई और बबलू खैरपुर बल्लेबाजी करेंगे 12 बॉलों पर 5 छक्के और पहली बॉल डॉट और दूसरी बॉल 11 पर 5 और शॉट ऑफ द डे बबलू का आज का ये दूसरा छक्का और बबलू आज कुछ खास नहीं कर पाए 2 बॉल पर पहला छक्का 10 बॉलों पर अब 4 छक्के की जरूरत है तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल काना जाट दोबारा बैक टू बैक दूसरी बॉल डॉट छक्के के बाद डॉट बॉल 3 बॉल 1 छक्का 9 बॉल 4 छक्के की जरूरत और वाइड को भी घसीट दिया बबलू खैरपुर ने और यह सबसे लंबा छक्का आज तक का सबसे लंबा छक्का बबलू खैरपुर द्वारा और सामने मकान में बॉल को बढ़ा दिया और चीता ही कह देते बबलू अब रंग दिखाता हुआ 4 मैच हारने के बाद 5वां मुकाबला चलता हुआ ब्रेक के बाद और 5वीं बॉल करेंगे अब काना और एक और छक्का बबलू खैरपुर द्वारा लगातार 5 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बबलू खैरपुर 7 बॉलों पर 2 छक्के की जरूरत 6ठी बॉल काना की और वाइड बॉल थी उसको भी घसीट दिया बबलू ने काफी अच्छी बॉलिंग करी वापसी करते हुए काना और इस ओवर में 3 छक्के लग चुके हैं 6 बॉलों पर 2 छक्कों की जरूरत है बल्लेबाजी करेंगे अब लोकेश चाइना फिर बल्लेबाजी करेंगे बबलू खैरपुर 6 बॉलों पर 2 छक्कों की जरूरत पहली बॉल और बेहतरीन शॉट बबलू द्वारा बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रन 6 बॉल दूसरी बॉल थी और डॉट बॉल 4 बॉल पर 1 छक्के की जरूरत
और बॉल डॉट, और बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना। तीन बॉलों पर एक छक्के की जरूरत है, देखते हैं क्या होता है। तीन बॉल पर एक छक्के की जरूरत, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, और मुकाबले को जीत चुके हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। और अब ये छह मैचों में पहला मैच जीतते हुए, छह मैचों में पहला मैच जीत चुके हैं अब तक, और मुकाबला समाप्त हो चुका है। अब तीन मैच प्लस हैं, लोकेश मीना, राहुल सोलंकी और कान्हा जाट। और देखो खिलाड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया हुआ है, चीकू फिरोम गाजियाबाद, काफ़ी मात्रा में क्राउड आता हुआ मैच को देखता हुआ, और ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना और मनीष राठी इस मैच को जीत चुके हैं। जितते भाई फिरोम गाजियाबाद। सातवां मुकाबला शुरू होता हुआ, तीन मैच अभी प्लस हैं, राहुल सोलंकी और लोकेश मीना और कान्हा जाट। पहली बॉल वाइड बॉल, पहली बॉल वाइड के बाद, और पहली बॉल और पहला छक्का, पहली बॉल पर पहला छक्का। दूसरी बॉल, एक और छक्का, और वीडियो बनाने का ही कारोबार फिर फायदा हुआ। और तीसरी बॉल, दो बॉल पर लगातार छक्के दो, और एक और छक्का, तीन बॉलों पर एक और छक्का, तीन बॉलों पर तीन लगातार छक्के बबलू खैरपुर द्वारा, दो बॉलों पर तीन छक्के, एक नौ बॉल हो चुके हैं इसमें, दो बॉलों पर तीन छक्के। तीसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना, और डॉट बॉल। चौथी बॉल और हवा में उठ चुकी है, डॉट बॉल। चार बॉल तीन छक्के, सातवां मुकाबला चलता हुआ। पांचवी बॉल सातवें मैच की, वाइड बॉल, वाइड बॉल। पांचवी बॉल और स्लो बॉल, डॉट बॉल। छठी बॉल सातवें मैच की, ऐसे देख मैंने और काफी तगड़ा छक्का बबलू खैरपुर द्वारा। एक ओवर में चार छक्के लगे, लेकिन इस ओवर में सात बॉल फेंकी थी, एक नो बॉल भी थी, और चार छक्के लग चुके हैं एक ओवर में, चार छक्के। और अब बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना। पहली बॉल फुल टॉस बॉल थी, डॉट बॉल, राहुल सोलंकी की बॉलिंग करते हुए। दूसरी बॉल और बेहतरीन शॉट अपने ही स्टाइल में, बॉल जा रही है काफी दूर, काफी लंबा छक्का। पांच छक्के हो चुके हैं आठ बॉलों पर। तीसरी बॉल और वाइड बॉल थी, इसको भी घसीट दिया, डॉट बॉल। चौथी बॉल और ये भी डॉट बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, चार रन और डॉट बॉल। पांचवी बॉल लेकिन हवा में, फील्डर उसके नीचे रामू भाई नहीं पकड़ पाएंगे, डॉट बॉल। ग्यारह बॉल पांच छक्के हो चुके हैं अब तक। छठी बॉल काफी अच्छी बॉल राहुल सोलंकी द्वारा, डॉट बॉल, और पांच छक्के ही मार पाए लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। और अब बल्लेबाजी करेंगे राहुल सोलंकी। बारह बॉलों पर छह छक्कों की जरूरत है, देखते हैं क्या होता है। सातवां मुकाबला चलता हुआ, तीन मैच अभी प्लस है, राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और कान्हा जाट। बॉलिंग करेंगे मनीष राठी, और बल्लेबाजी के लिए तैयार है राहुल सोलंकी। बारह बॉलों पर छह छक्कों की जरूरत, राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे मनीष राठी। पहली बॉल काफी अच्छी बॉल मनीष राठी द्वारा, डॉट बॉल। दूसरी बॉल मनीष राठी की, बॉल जा रही है काफी अच्छी बॉल थी, और ओपी स्टंप की तरह बॉल, डॉट बॉल, वन बाउंस, चार रन, डॉट बॉल। तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल, लगातार तीन बॉल डॉट। चौथी बॉल करेंगे मनीष, एक और अच्छी बॉल, लगातार चार बॉल डॉट मनीष राठी द्वारा, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए। और पांचवी बॉल करेंगे मनीष, काफी अच्छी फुल टॉस बॉल थी, लेकिन उस पर जाते हुए मनीष क्या करेंगे बॉल, और काफी अच्छी रनिंग करते हुए, लेकिन पांच बॉल लगातार डॉट। वीडियो बनाने का एक बार फायदा हुआ, और वीडियो में वाइड बॉल नहीं लिख ली, डॉट बॉल थी। पांच बॉल लगातार डॉट मनीष राठी द्वारा। छठी बॉल करेंगे मनीष राठी, सात बॉलों पर छह छक्कों की जरूरत, सातवां मुकाबला चलता हुआ।
काफी तगड़ा शॉट राहुल सोलंकी द्वारा बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन, काफी तगड़ा छक्का, 6 बॉलों पर 5 छक्कों की जरूरत है, देखते हैं क्या होता है। और बॉलिंग करेंगे लोकेश चाइना, 7वां मुकाबला चलता हुआ, 6 बॉलों पर 5 छक्कों की जरूरत है, 6 बॉलों पर 5 छक्के, पहली बॉल और वाइड बॉल, दूसरी बॉल पहली वाइड थी, काफी अच्छी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, वन बाउंस चार रन, 5 बॉलों पर 5 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, 7वां मुकाबला चलता हुआ। और एक और वाइड बॉल, 2 वाइड बॉल हो चुकी हैं, दूसरी बॉल काफी अच्छी बॉल और भैया बॉल है, और एक और वाइड थी, वीडियो का फायदा, और फुल टॉस बॉल, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन, और अब 4 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ, क्या मार पाएंगे राहुल सोलंकी या बजा पाएंगे लोकेश चाइना, 4 बॉलों पर 4 छक्कों की जरूरत, तीसरी बॉल, एक और छक्का, काफी लंबा छक्का, और अब 3 बॉलों पर 3 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी, फुल काफी अच्छी बॉल, काफी अच्छी बॉल और बॉल डॉट, और अब 2 बॉलों पर 3 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, काफी अच्छी बॉल और इस मुकाबले को जीत चुके हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर और मनीष राठी, काफी अच्छा प्रदर्शन करा मनीष राठी भाई ने, काफी अच्छी बॉलिंग करी है अब के और मुकाबले को जीत लिया है, कोई नहीं, काफी अच्छी बॉलिंग और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सारे खिलाड़ी, काफी तगड़े फेमस खिलाड़ी हैं, 6 के 6 खिलाड़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और काफी अच्छा प्रदर्शन मुकाबला होता हुआ, 4 मैच लॉस होने के बाद 2 मैच लगातार जीत चुके हैं लोकेश चाइना, बबलू खैरपुर और मनीष राठी। और 8वां मुकाबला, पहली बॉल करेंगे काना, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, काफी लंबा छक्का, 8वां मुकाबला, पहली बॉल, पहला छक्का, 2 मैच अभी प्लस है, राहुल सोलंकी और काना जाट, दूसरी बॉल, और एक और छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, लगातार 2 बॉलों पर 2 छक्के, 8वां मुकाबला चलता हुआ, 2 मैच अभी प्लस है, राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और काना जाट, तीसरी बॉल, और एक और छक्का, 9 बॉल, काफी लंबा छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, 3 बॉलों पर 3 छक्के, और ये 9 बॉल हो चुकी है, 2 बॉल हुई है अभी, काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए बबलू खैरपुर, और ये तीसरी बॉल 9 बॉल के बाद काना जाट, और वाइड बॉल, काफी गति के साथ बॉल थी, काफी अच्छे गेंदबाज है काना जाट, और तीसरी बॉल 3 छक्के, और एक और बॉल, बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन, बबलू खैरपुर ने 4 बॉलों पर 4 लगातार छक्के मार दिए, चीता ही कह देते हैं बबलू खैरपुर को, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बबलू खैरपुर, 3 बॉलों पर 4 छक्के लग चुके हैं अब तक, और ये चौथी बॉल करेंगे काना जाट, और ये फुल टॉस बॉल थी, डॉट बॉल, 4 बॉल 4 छक्के, और 5वीं बॉल करेंगे काना जाट, काफी अच्छी बॉल, बैक टू बैक वापसी करते हुए काना जाट, डॉट बॉल, और 6ठी बॉल 8वीं मैच की, और ये डॉट बॉल, एक ओवर में 4 ही छक्के लगे हैं, जो कि 4 बॉलों पर 4 छक्के लगातार थे, डॉट बॉल, एक ओवर में 4 छक्के, और अब बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना, बॉलिंग करते हुए राहुल सोलंकी, पहली बॉल और डॉट बॉल, 1 बाउंस 4 रन, 7 बॉलों पर 4 छक्के हो चुके हैं अब तक, दूसरी बॉल करेंगे, और काफी अच्छा शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, 8 बॉलों पर 5 छक्के हो चुके हैं अब तक, 8 बॉलों पर 5 छक्के, 8वां मुकाबला चलता हुआ, 2 मैच अभी प्लस है, राहुल सोलंकी और काना जाट और लोकेश मीना, तीसरी बॉल और डॉट बॉल, तीसरी बॉल डॉट बॉल, और शॉट ऑफ द डे, फिल स्लो बॉल, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, एक और छक्का, 10 बॉलों पर 4 छक्के हो चुके हैं अब तक, 8वां मुकाबला चलता हुआ, 10 बॉलों पर 6 छक्के, और 11वीं बॉल करेंगे राहुल सोलंकी,
एक और छक्का, बॉल जा रही है काफी दूर, काफी लंबा छक्का। 11 बॉलों पर 7 छक्के हो चुके हैं, 8वां मुकाबला चलता हुआ। और ये 12वीं बॉल, और एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के, और ये माफ कीजिए डॉट बॉल। मुकाबले में 7 छक्के लगे 12 बॉलों पर, और अब बल्लेबाजी करेंगे राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और काना जाट। 12 छक्के चाहिए, 8 छक्के चाहिए 12 बॉलों पर मैच को जीतने के लिए। 8 छक्के, बॉलिंग करेंगे मनीष राठी। पहली बॉल काफी तगड़ा शॉट, पहली बॉल पर राहुल सोलंकी द्वारा बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 11 बॉलों पर 8 छक्कों की जरूरत, 7 छक्कों की जरूरत है अब 11 बॉलों पर 7 छक्कों की जरूरत। मनीष राठी बॉलिंग करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए, लोकेश राहुल सोलंकी फ्रॉम हाथरस। एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर काफी दूर, काफी लंबा छक्का। एक और छक्का, 2 बॉलों पर 2 लगातार छक्के राहुल सोलंकी द्वारा। तीसरी बॉल उठा दिया है मनीष राठी जाते हुए बॉल पर, देखेंगे क्या करेंगे मनीष राठी। और ये बॉल डॉट, काफी अच्छी बॉल थी लेकिन नहीं मार पाए लोकेश राहुल सोलंकी। 3 बॉल 2 छक्के हो चुके हैं, 9 बॉलों पर अब 6 छक्कों की जरूरत। चौथी बॉल करेंगे मनीष राठी, 9 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत। काफी अच्छी बॉल मनीष राठी द्वारा, काफी अच्छी बैक फुल थ्रू करते हुए मनीष राठी। 5वीं बॉल, काफी अच्छी बॉल मनीष राठी द्वारा, माली उसके पीछे जाते हुए, क्या करेंगे माली, कुछ नहीं कर पाएंगे माली, कोई मिल्खा सिंह नहीं है, नहीं रोक पकड़ पाए कैच। और डॉट बॉल, 7 बॉलों पर 6 छक्के की जरूरत। 5वीं बॉल, 6ठी बॉल, काफी अच्छी बॉल मनीष राठी द्वारा और डॉट बॉल। 1 ओवर में 2 ही छक्के मार पाए राहुल सोलंकी, काफी अच्छी बॉलिंग करी है मनीष राठी ने। 6 बॉलों पर 6 ही छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। देखते हैं कौन करेगा बॉलिंग, बबलू या लोकेश। और बबलू खैरपुर आते हुए बॉल को लेकर, और पहली बॉल करेंगे बबलू खैरपुर, 6 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत। काफी अच्छी बॉल बबलू की, और 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। और डॉट बॉल, 5 बॉलों पर 5 छक्के चाहिए मैच को टाई करने के लिए। 5 बॉलों पर 5 छक्के मैच को टाई करने के लिए, काफी अच्छी बॉल। और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखते हैं क्या होता है। एक और छक्का, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 4 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए मैच को टाई करने के लिए। और तीसरी बॉल करेंगे बबलू, और काफी अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल बबलू की, और बॉल डॉट। इस मुकाबले को जीत चुके हैं लोकेश चाइना, बबलू खैरपुर और मनीष राठी। काफी अच्छी बॉलिंग करी है मनीष राठी ने और इस मुकाबले को जीत चुके हैं। और अब डैनी भाई को भी चीता ही कह देते, इधर देखो, इधर रे, इधर देखो चीकू, गाजेबाद को भी चीता ही कह देते। मुकाबला समाप्त हो चुका है, और टोनू भाई फ्रॉम खुर्जा को भी चीता ही कह देते हैं, काफी अच्छे अंपायरिंग की जिम्मेवारी संभालते हुए। और अब मुकाबला, अब एक ही मैच प्लस है राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और काना जाट। और 9वां मुकाबला शुरू होता हुआ, एक मैच अभी प्लस है, राहुल सोलंकी, लोकेश मीना और काना जाट। काफी तकड़े मुकाबले होते हुए, पहले तो एक तरफा ही कर दिया था। पहली बॉल और डॉट बॉल, दूसरी बॉल और काफी तगड़ा छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन। काफी तगड़ा छक्का, दूसरी बॉल पर पहला छक्का। 4 मुकाबले हारने के बाद और वापसी करते हुए 3 मुकाबले जीत चुके हैं, हारने को हाले को ही तो बाजीगर कह देते हैं। तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल थी और डॉट बॉल, जब ही तो कहते हैं हारने वाले को बाजीगर, जीतने वाले को तो कोई भी कह सकता है बाजीगर, हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं कि वो हारेगा और मैदान में खड़ा रहेगा, जब ही तो जीतेगा। चौथी बॉल 9वें मैच की, काफी तगड़ा छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के, 6 रन। 6 रन, काफी तगड़ा छक्का और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 4 बॉल 2 छक्का। और 5वीं बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरह, 1 बाउंस 4 रन। और 5 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके हैं अब तक, 9वां मुकाबला चलता हुआ। 6ठी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखते हैं क्या होता है, इस सुफ्रोम और या बॉल को रोक पाएंगे या नहीं। और ये डॉट बॉल,
यूसुफ राम औरैया बॉल को नहीं पकड़ पाएंगे और डॉट बॉल। एक ओवर में दो ही छक्के लगे, छह बॉलों पर दो छक्का और काना जाट बॉलिंग करेंगे। पहली बॉल और पहला छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, सात बॉलों पर तीन छक्के हो चुके हैं अब, सात बॉलों पर तीन छक्के। दूसरी बॉल करेंगे काना जाट, एक और छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, लगातार दो बॉलों पर दो छक्के, आठ बॉलों पर चार छक्के हो चुके हैं। और अगली बॉल करेंगे वाइड बॉल, काफी गति के साथ बॉल आई थी, वाइड बॉल। तीसरी बॉल राउंड द विकेट और ये बॉल काफी अच्छी थी और डॉट बॉल। नो बॉल, चार छक्के लग चुके हैं अब तक। चौथी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, नहीं रोक पाएंगे बॉल को और डॉट बॉल। पांचवी बॉल राउंड द विकेट, काफी लंबा छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन। और छठी बॉल हट गो और डॉट बॉल, छह छक्के चाहिए बारह बॉलों पर मैच को जीतने के लिए राहुल सोलंकी, काना जाट और लोकेश मीना को। एक मैच अभी प्लस है और बॉलिंग करेंगे मनीष राठी, काफी अच्छी बॉल, फील्डर उसके नीचे मौजूद नहीं है और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन। पहली बॉल पहला छक्का, नोवा मुकाबला चलता हुआ अब 11 बॉलों पर 5 छक्कों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग करते हुए मनीष राठी और दूसरी बॉल करेंगे मनीष राठी, एक और शॉट और उसके पीछे है बबलू खैरपुर, देखेंगे क्या करेंगे बबलू और मुकाबले को जीत लेंगे बबलू। बबलू ने कैच पकड़ ली, शानदार कैच बबलू खैरपुर द्वारा, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए बबलू खैरपुर। दूसरी बॉल पर आउट हो चुके राहुल सोलंकी जो कि पहली बॉल पर छक्का लगा चुके हैं। और अब काफी समय के बाद बल्लेबाजी करेंगे लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान, 10 बॉलों पर 5 छक्कों की जरूरत। और अंकित कुमार फ्रॉम चार मूर्ति और ईसु फ्रॉम औरैया भी मुकाबले को देखते हुए स्मार्ट भी लगते हुए क्रीम के साथ। और अब तीसरी बॉल करेंगे मनीष राठी राउंड द विकेट और तीसरी बॉल, और काफी अच्छी बॉल थी लेकिन काफी अच्छी शॉट मारने के चक्कर में और कीपर और रामू भाई नहीं रोक पाएंगे बॉल को, बॉल गई बाउंड्री की तरफ, चार रन। और चौथी बॉल करेंगे मनीष राठी फ्रॉम दिल्ली, काफी अच्छी बॉल, दिमाग के साथ बॉलिंग करते हुए लगातार तीन बॉल डॉट। और पांचवी बॉल करेंगे मनीष, काफी गति के साथ और वाइड बॉल। और पांचवी बॉल, काफी तगड़ा छक्का और अपने ही स्टाइल में बॉल को मार दिया है, पटकी हुई बॉल थी, काफी तगड़ा छक्का लोकेश मीना द्वारा। और छठी बॉल, काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ, सात बॉल पर चार छक्कों की जरूरत, काफी तगड़ी बॉल करते हुए मनीष राठी और डॉट बॉल। अब एक ओवर में चार छक्कों की जरूरत है। और पहली बॉल वाइड बॉल, पहली बॉल वाइड के बाद काफी तगड़ी बॉल बबलू खैरपुर द्वारा, डॉट बॉल। दूसरी बॉल करेंगे बबलू, काफी अच्छी बॉल और बैक टू बैक दो बॉल लगातार डॉट। तीसरी बॉल करेंगे बबलू, काफी तगड़ा शॉट और बॉल जा रही है बाउंड्री से भी बाहर, छह रन। काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए लोकेश मीना, तीन बॉलों पर तीन ही छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। चौथी बॉल करेंगे बबलू, तीन पर तीन जीतने के लिए, काफी तगड़ा छक्का, एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन। दो बॉलों पर दो छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, दो पर दो वाइड बॉल। पांचवी बॉल, काफी अच्छी बॉल बबलू खैरपुर द्वारा, एक और वाइड को भी राइट करते हुए लोकेश मीना, एक और वाइड को भी राइट करते हुए लेकिन वहां वाइड थी। एक बॉल पर एक ही छक्का चाहिए मैच को टाई करने के लिए। और अंतिम बॉल वाइड बॉल, और अंतिम बॉल एक पर एक तकड़ी बॉल बबलू खैरपुर द्वारा, मुकाबले को जीत चुके हैं और बैक टू बैक पांच मुकाबले चार मुकाबले जीतती है। जभी तो कहते हैं हारे हुए कोई बाजीगर कह देते हैं। चार मैच हारने के बाद वापसी करते हुए लोकेश चाइना बबलू खैरपुर और
मनीष राठी काफी अच्छी बॉलिंग करी, चीता ही कह देते हैं टोनू भाई और बिक्की यादव फिर बहरामपुर को लगातार चार मुकाबले हारने के बाद लगातार चार ही मुकाबले जीत लिए और अब देखते हैं कि आगे मुकाबले होंगे या नहीं। अभी तक कोई हार नहीं है और कोई जीत नहीं है, इतने कसदन मुकाबले मैच हुए इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक तरफा मुकाबले हो चुके थे और काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ, देखते हैं अभी आगे मैच होंगे या नहीं होंगे। और अभी यहाँ पर रिजल्ट कोई हार नहीं है और कोई अभी जीत नहीं है, अभी तक रिजल्ट अभी जीरो है, यहाँ पर कोई हार नहीं है और कोई जीत नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार मोहब्बत से मुकाबले को देखते रहें और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद माइकल यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हो तो पेज को फॉलो कर लें। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ पर मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, कोई हार नहीं है और कोई जीत नहीं है। कमेंट में करें कि क्या प्रदर्शन किस खिलाड़ी का अच्छा रहा, कमेंट में जरूर राय लिखें किस में कौन सी कमी रही और काफी अच्छी वापसी करी। मुकाबले को समाप्त हो चुके हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा सारे खिलाड़ियों का और एक बार फिर कैसे हारे हुए कोई बाजीगर कह देते हैं कि वो हारेगा तभी तो जीतेगा और मुकाबला समाप्त।